अस्सलामुअलैकुम यार, आज वो पांच जो को टॉपिक आए हुआ है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स के बारे में तमाम के तमाम घनी खबर होंगे आज पांच डिस्कस करना तो सैटेलाइट्स के हवाले से। सैटेलाइट्स मीन्स सियार। सियार जो आए उन जानते मुख्य किस्म आए। नंबर वन के तो नेचुरल सैटेलाइट्स, नंबर सेकंड के तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, एंड नंबर थर्ड के तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स जो कम कहो आए अच्छे तो उनके डिस्कस पढ़ूंगा। नंबर वन के अच्छे तो नेचुरल सैटेलाइट्स मीन्स कुदरती सियारा, ऐसा सियारा जो अल्लाह साईं की तरफा ऑलरेडी मौजूद हुए अस उनके बारे में पढ़े होते। इनको एग्जाम्पल पा खी वूँ मून चंड। चंड जो है वो धरती की चौधारी अठावी दिन में चक्कर पूरा करें। आर्टिफिशियल जी सैटेलाइट्स हैं वो उनमें मुराद है मैन मेड, मतलब इंसान ठाती हुए इनकी पा खड़ी शे चाहिए सकूँ। मैन मेड जी सैटेलाइट्स हैं वो कन था अस चंड जो कुदरती सैटेलाइट थी वो चंड अस ग्रह उनका फोटो कटे तो धरती का सेंड नो कर सके। असें सिर्फ थोड़ी नॉलेज मिली है उनके करे अस जरूरत पैजी वही तो अस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ठाकू। पूरे शमशी निज़ाम में जेका भी नॉलेज आए उनके बारे में असें खबर पे तद खबर पी तो सिज एक तारो है उनके चौधारी नौ ग्रह घुमन था मेवर में पीरियड के हिसाब से। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स उनमें उनकी जो साइज आ तकरीबन पे मंजिल इमारत जितनी थी है उन पे मंजिल इमारत जितनी जैसे वो साइज होंगे तो उनमें मुख्तलिफ़ टाइप जो सोलर प्लेट्स लगल होंगे उनमें बैटरीज होंगे उनकी किला में नस्फ जो वो रॉकेट की मदद से किला में छे वो उनमें मुख्तलिफ़ कैमरा लगल होंगे धरती के चौधारी वो जो सैटेलाइट्स अठरा हूँ वो घुमी करी धरती के इर्द गिर्द वो माहौल उनके बारे में असके मालूम दे। नंबर थर्ड पे जो अचे थी वो है असकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में मुराद यो है जो धरती के चौधारी मौसम से अपडेट थी रही तो उनके हवाले से मौसम के बारे में असकी अपडेट दे मौसम कड़ी हॉट वेदर आ या सनी वेदर आ बारिश वाली आ मतलब पूरी वेदर कंडीशन के बारे में जी रिपोर्टिंग दे तो असकी देता हूँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अक्सर कर मेट्रोलॉजिस्ट मौसम खाते वाले उन्होंने टाइप जो देखो वो यूज करना है उनकी वेदर अपडेट्स मिलती रही। तो स्टूडेंट्स यो ये टॉपिक सैटेलाइट्स के हवाले से इन जहाँ मुख्य पार्ट्स जैसे बारे में तुम उम्मीद